दिल्ली में आपराधिक घटनाएं हर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में दिल्ली के संगम विहार से घटना सामने आ रही है, जहां रविवार की शाम सरेआम एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल ये घटना साउथ दिल्ली के संगम विहार के एल ब्लॉक की गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पता चला कि कैसे एक लड़के ने दूसरे लड़के पर ताबड़तोड़ चाकूओं से वार कर उसका कत्ल कर दिया। बता दें कि मृतक की पहचान एल ब्लॉक संगम विहार के रहने वाले इमरान के तौर पर हुई है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी शख्स इमरान से बहस कर रहा है और फिर अचानक उसने उस पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां खड़े अन्य लड़के आरोपी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपी कई बार इमरान के ऊपर चाकू से हमला करता रहा। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बेखौफ होकर आराम से टहलता हुआ गली से जाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इमरान के घर वालों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि इमरान का कत्ल किसने और क्यों किया। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इमरान के घर के पास गली में आखिर किस बात पर इमरान और आरोपियों की कहा सुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने अचानक चाकू से इमरान पर हमला कर उसका कत्ल कर दिया। ऐसे में सीसीटीवी के जरिए पुलिस कातिल और उसके साथियों की तलाश कर रही है, जो हत्या के बाद आराम से फरार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएनएन न्यूज़।